गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका टेक्नो लेवल अप गेम और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने रेजिडेंट ईविल 4 चैप्टर में, जो कि ओल्ड वर्जन है। न्यू वर्जन आपको मिल जाएगा। लेकिन गाइस, उससे पहले हमने 3.1 चैप्टर में जो है रेमोन सेलेजार, जो एक पायरेट्स ऑफ कैरेबियन की तरह दिखने वाला छोटा सा एक डीमन है, जिसके हम छोटे मोटे गुंडों से लड़ते आए हैं अभी तक, और अभी पजल सॉल्व कर रहे थे पिछले मिशन में, और शायद से अभी उससे फाइट हमारी हो सकती है। तो गाइस, चैनल पर आप बने रहिए, और चैनल पे आप ओल्ड मेंबर हैं तो आपके लिए मैं काफ़ी हम्बल हूँ, और नए बंदों को मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब के साथ हमारा चैनल को शेयर भी कीजिए, और हमारे वीडियोस जो पसंद आए उसे आप कमेंट कीजिए, खराब लगे तो भी, अच्छा लगे तो भी। तो चलते हैं आगे लेट ना करते हुए। तो हमने सेव कर रखा था गाइज। इस रेजिडेंट ईविल में ये बात है कि काफ़ी अच्छा है, इस वजह से जो रेजिडेंट ईविल की सीरीज़ है इसी को 2023 में इन्होंने इसी को अपडेट किया न्यू वर्जन में। तो यहाँ तक हम सेव किए थे, आपने देखा होगा। तो गन वगैरह भी हमने लिया था, तो एक बार हम और जाएंगे यहाँ शूटिंग रेंज में, क्योंकि पिछली बार हमने जल्दीबाजी में मिशन को हमने तेजी से किया था, और इसे मिलेंगे हम। ये हर जगह मिलता है, कुछ हमें इसने दिया है। यहाँ से एग्जिट हमने किया, और यहाँ पे इसे हम बात और करेंगे। रैपिड फायर हम चुनेंगे, पिछली बार हमने जो है स्नाइपिंग किया था, और कुछ बॉटल्स ये देता है पर उसका हमें इनाम नहीं मिला था, और इनाम हम लेंगे। तो यहाँ पे बिगन हम कर दिए हैं, थोड़ा तेजी से हमें करना होगा। मच्छर आ चुके हैं, और आपको मच्छर कैसे लगते हैं? जैसे भी लगते हो वैसे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ जाएगी। थोड़ी ये फास्ट हो जाएगी जरूर, लेकिन जितनी अच्छी हमारी शूटिंग रेंज यहाँ होगी, इससे ये होता है क्या कि प्रैक्टिस हमें मिल जाएगी करने को। काफ़ी अच्छा, पर हमें 100 पॉइंट चाहिए, 50 मिल जा रही बॉडी की, और अगर हमने उसके सिर मारा तो उसमें जो है 200 पॉइंट्स मिल जा रहे हैं। शिट यार, तो 2500 नंबर, एक से चुक गया, अगर एक से हम और मार देते तो काम हमारा हो जाता, पर ठीक है, देखते हैं। आप कहें तो एक बार और हम आपके लिए खेल सकते हैं, पर हम एक बार और खेलेंगे अगर थोड़ा तेजी से हम करेंगे। अरे -1000 कोई मतलब नहीं, अब जो है हमें असली को नहीं मारना था, हमने गलती कर दिया। तो इससे हम बात करेंगे फिर से, इन गेम कर दिया है। दो बॉटल का कैप हमें दिया है एशली, देखिए कितनी डरी हुई है। और गाइस, यहाँ पे हम जो है पिस्टल इक्विप करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आता है, पर हमने गेम को गिव अप इसलिए किया क्योंकि आप देख सकते थे हमारे पास शायद कुछ होगा, वैसे नहीं, लेकिन हम एक बार ऐसे बात करेंगे, क्योंकि मान लीजिए जो कैप के बदले हमें कुछ दे दे, हमें सेलिंग करेंगे, क्योंकि टू कैप कुछ दिया है हमें, और हमें कुछ मिल गया है, हमारे पास इनफ नहीं है। यहाँ पे दिक्कत इसलिए हमें हो रहा है, आप सोचेंगे कि अरे भाई तुमको पता होना चाहिए वहाँ पे कैश ही नहीं है तो कैसे लोगे। तो आपको हम बता देते हैं कि जब हम इस गेम को सेव करते हैं, ये देखिए इन्फेक्शन जो है शुरू हो चुका है, जो कि उसने नीडल डाला था, और यहाँ से हम एशली से अलग हो गए। शायद से यहाँ लोहे की जंजीरें निकली हैं, उसे पकड़ लें। Ashley, what's going on? अब जो Ashley के लिए दिक्कत हो जाएगी। Don't worry, Ashley. I'm coming for you. Chapter 3 का 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से हम सेव कर लेते हैं डेटा। हनीगन से बात होंगी हमारी, पर हनीगन की जगह आप वही Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. रेमोन, किसने हैक कर लिया है? Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, oh, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, because boredom kills me. I look forward to our next encounter. In another life. तो गवर्नमेंट सिस्टम को भी इसने हैक कर रखा है, और
हम चेक करेंगे क्योंकि एशली जो इसकी अदर साइड है, और जो है गाइज यहाँ से एक दरवाज़ा मिला है जिसके हम आर पार हो चुके हैं। हमें पता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। और इस मिशन में एक चीज़ और है, गेम तो ठीक है गाइज, इस मिशन में एक पज़ल टाइप से क्वेश्चन है जिसमें हमारा दिमाग लगता है और जिसकी कम होगी कैपेसिटी वो सॉल्व नहीं कर सकता है। और यहाँ पे हमें जो है वो मिल सकते हैं जिसकी बात हमने की थी, इनविजिबल रहता है वो बंदा। शॉटगन हम सोच रहे हैं निकाल लें, इस पिस्टल से कुछ होने वाला नहीं है, पिस्टल बेकार होता है क्योंकि एक इनविजिबल कीड़ा है जिससे हमारी फाइट हो जाएगी। वो देखिए सामने है, दिखा आपको, ये रहा वो बंदा। एक गोली और शायद खाएगा ये, तो ये इनविजिबल रहता है, इसकी पहचान जो है होती रहेगी बार बार। और अब जो है ये डेड हो चुका है, इस तरह के दो तीन और हैं शायद, तो ऐसे बंदों से बच के रहिए जो हैं इनविजिबल, क्योंकि ऐसे बंदे कुछ मालूम नहीं चलते कब कहां से अटैक कर दे। एक तो नीचे होगा, ये रहा, शीट दिखाई नहीं दे रहा है, तो जान ले लेगा भाई। एक और गोली, कॉकरोच कहीं का, कॉकरोच की जैसे दिखने वाला, इससे भी हमें एक आई मिला है, तो शायद और भी मिल सकते हैं, कोई हम रिस्क नहीं लेंगे। वैसे इसके लिए हमें जो है जे कॉल है, इसे हम ले लेंगे क्योंकि इसको हम बेच देंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है हमें मिल जाएंगी। और इसे बेचने के बाद हमें कुछ ना कुछ मिल जाती हैं, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, यहाँ क्या रखा हुआ, ईंटें हैं, रिस्क नहीं लेना है हमें। और अब जो है हम कुछ पत्ते चबा लेंगे, और शायद हमारी एमो जो है खत्म हो चुकी है, बस अब और ना आए क्योंकि एक और है शायद, क्योंकि आवाज तो आई रहा है। शायद ये आखिरी बंदा था, तो ये एक प्रकार का इनविजिबल कैट है, इनविजिबल कैट इसे नहीं बोल सकते हैं, जो भी हो ये, पर हमारा काफ़ी हेल्थ कम कर दिया। कुछ हमें पजल मिला यहाँ से, शायद ये इसी कीड़े के बारे में हो, अब हमने इसे पढ़ तो लिया है पर साइड करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम डिटेल पता करें। और यहाँ इसे डर लग रहा है कि कहीं ये खड़ा होना हो जाए, और एक पल में भूल गया था कि ये ज़ॉम्बीज़ गेम है। तो हमारे पास एक और एमओ पड़ा हुआ है, अरे मेडिपैक, पर उसका यूज हम तब करेंगे गाइस जब हमारे पास बिल्कुल ही दिक्कत होगी। अभी तो हम काम चला लेते हैं, और वहाँ कुछ चमक रहा है, चमकीली चीज़ की तरफ हम जाएंगे। एक चीज़ है, बस हमें हेल्थ मिलता रहे, हेल्थ और एमओ, ये दो चीज़ हमें मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो यहाँ पे हम आ चुके थे, एक और साइड था यहाँ जहाँ हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो इधर भी करेंगे हम, पर कुछ भरोसा नहीं है इस कीड़े का। रेस्टेड है किट, किस
कीड़े का कोई भी भरोसा नहीं है। तो यहाँ से हम शॉटगन ले ही लेते हैं, क्योंकि क्या मतलब इसे पंगे लेने का। यहाँ इस गेट में आने से हमें कुछ फायदा तो नहीं दिखा, आपको दिखा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा हमें भी। ये दूसरे साइड से लॉक किया था तो इसमें घुसने का क्या मतलब हुआ? तो शायद यहाँ एक और दरवाजा है और यहाँ पे इसको कुछ चलाना है ऐसा। यहाँ से हमें कुछ लालटेन मिला है, बटरफ्लाई लैम्प, तो ये एक तरह से बटरफ्लाई ही रहा होगा, मोथ टाइप से। यहाँ से इसे हम करते हैं कॉम्बाइन। आपने देखा होगा कि हमने एक अटैची लिया था और पता नहीं उस अटैची का क्या काम था। यहाँ से हम इसको जो है ड्रेन को चला देंगे, पानी जो है कम हो जाए। यहाँ पे भी उस कीड़ा हो सकता है, जो भी हो पानी वाले सिस्टम को हमने बंद कर दिया है। और शायद से यहाँ का दरवाज़ा नहीं होगा, ये एक मीडियम था जाने के लिए रास्ता। और अभी हमको जो है तेज़ी से चलना होगा। ये हमारी है इसके यही मारेंगे कि हम तो आप देख सकते हैं इससे जितना हम बच रहे थे उतना ही ज़्यादा हमारे पे हावी हो गया। तो यही सब होता है गाइस, कब ये कीड़ा कहाँ से आ जाए इसको एक ही तरह से पहचान सकते हैं कि हमें जो है हमेशा रेडी रहना होगा। पीछे से आ गया ये, हुई ना बात, ये हुई हमारी बात। अगर लड़ाई करो तो ऐसे करो, नहीं तो ना छोड़ दो, लड़ाई ना करो। पर हमारा हेल्थ इसने काफी ज्यादा इस कीड़े ने ले लिया है और इसके नीचे भी हम शायद झुक सकते थे, पर ठीक है कोई बात नहीं। ये लोडिंग हमें इतनी ज़्यादा सुकून देती है। दो चार चीज़ें हैं, अगर ये आवाज़ हो रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ है। इसके लिए हम जो है अपनी इस राइफल को निकालेंगे और इसी से मारेंगे। कुछ ना कुछ है यहाँ पे ऐसा, पता नहीं क्या है। अच्छा ये एक आप देख सकते हैं, बाप रे, तो सब ऐसे फिल्मों में नहीं होता है। ठीक है रेडी है, जैसे ये जाएगा आगे अब जो है तेजी से दौड़ना होगा हमें। और हमने पार कर दिया ये, वैसे हम इसको मार तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते, में हमने ज़्यादा पेशेंस दिखाया। और ये गन काफ़ी अच्छी है। अब वो कीड़ा हमें दोबारा ना मिल जाए। और ये सब चीज़ एशली के लिए हम करना है। सीढ़ी पे हमने चढ़ा और ऊपर हमें कुछ बक्से मिले, आटा चक्की की तरह फंस रहा है, सही बात भी है। और यहाँ देखिए प्रे कर रहे हैं, अब सबसे हमें फाइट करनी होगी। घूम फिर के हम वहीं आ गए। और गाइस हमें यहाँ से हेल्थ भी लेना होगा, यही नीचे प्रे कर रहे हैं सब, सोच रहे हैं इसी को मार दें हम, पर ये नहीं टूटा तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए देख लिया हमें मैं उसने पुड़वा ने देख लिया। वो देखिए राक्षस बन गया, और इस राक्षस को अब हमें मारना होगा नहीं तो। सीढ़ी से आ रहा होगा, चलो इसी का चाबी थी तो हमने इसी को रोक लिया।
इसी क्या वो चीज़ थी जिसके पास हम आए थे। अब बस हमें हेल्थ जो है ढूंढना होगा, क्योंकि हमारे काम की हेल्थ ही सिर्फ है। तो यहाँ पे ये लोग कुछ पूजा कर रहे थे, पता नहीं किस चीज़ का रेड रेड मीट चढ़ाएं। जो भी हो, यहाँ पे बंदा खतरनाक था तभी जो है, अभी तक इसकी लाश गायब नहीं हुई। जो भी बंदा खतरनाक होता है उसकी लाश नहीं गायब होती है। सीढ़ी से हमें जाना नहीं, सीढ़ी से एक बार ट्राई करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा गोल गोल घूम लेते हैं, कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाता है। और ये वही दरवाज़ा है और वो बुड्ढा गायब हो चुका है। पूरा घुमा फिरा के हम उसी जगह पे आ चुके हैं, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ इसकी आँख में है और इसे बेच के हम अच्छे अमीर आदमी बन जाएंगे और BMW सफारी खरीद के इस गेम से हम निकल जाएंगे। तो जो भी है, ये इसको उल्टा इन्होंने लटका रखा है। कई चीज़ें हैं जिसको हमने अभी तक रिवील नहीं किया है। और यहाँ से दरवाज़ा को इन्होंने बंद किया है, पता नहीं क्या है आगे, क्या है क्या नहीं है। इस दरवाजे में तो जाना नहीं होगा, क्योंकि इस दरवाजे के सीधे पीछे हमें उल्टा सीधा चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि ये चीज़। तो छत ही पे जाना होगा गाइस हमें, छत ही दिखा रहा है एक ऑप्शन लास्ट। तो यहाँ से हमें पगलेट बुढ़वा मिल गया है, पगलेट बुढ़वा से करेंगे हम, और इसे जो भी चीज़ है सेल कर लेंगे। TMPMO Is that all? और यहाँ से गाइस हम जो है और कुछ भी बेचेंगे। Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. इसकी कीमत ज़्यादा है। Is that all? Butterfly lamp. Is that all? Thank you. ये भी खतरनाक बाप है। काफी अच्छी चीज़ है। तभी ये काफी महंगा मिला है। Thank you. तो पीछे हटेंगे हम। ट्यूनअप कर लेते हैं। शॉर्ट गन को हम ट्यून अप करेंगे, या कुछ ऐसी चीज इसने लाया, वैसे लाया तो वही होगा। तो हैंड गन को नहीं, हम शॉर्ट गन को ही, नहीं हैंड गन को बेस्ट करते हैं, क्योंकि हैंड गन की एमो जो है ज्यादा मिलती है, ज्यादा पैसा ना हो। ठीक है गाइस, और अब जो है हम देख लेते हैं हेल्थ हमारे पास है। तो एक ही हेल्थ है, और काफ़ी दिक्कत की बात इसलिए है, इस गेट के पीछे हम आ चुके हैं गाइस। महारानी आपकी चाय, ये शायद क्वीन एलिजाबेथ ही होंगी। और ये जब साउंड आता है तो हमें गुस्सा आती है, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये फैमिली है शायद उसकी, क्या नाम है उस बंदे की, रेमोन की। और जैसा कि मैं सोच रहा था कि हाँ, अब यहीं से हमें जो है एशली को छुड़वाना होगा। शिट, अब यहाँ से जो है हम निकालेंगे अपनी खतरनाक वाली एमो। भाग गया, एक यहां है राइफलधारी। राइफलधारी चचा, ओहो थोड़ा हिल जा रहा है। ओ भाई क्या चीज पहना है, इसके बॉडी मार दे, बॉडी फिर मर गया। तो ये स्नाइपर राइफल कुछ अलग ही होती है, वैसे हमें लग रहा है ये देख नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर ये देखता तो ऐसे रिएक्ट नहीं करता। पर है कहाँ ये, यहाँ एक बॉम्ब है। आज चैन लेके मछली वाले, काफ़ी देर हमने इसका यूज़ नहीं किया, इसको यूज़ करके हम थोड़े ताकतवर बन जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा है, आपने देखा होगा। तो गेम खेलिएगा और पैसा बचाइएगा गाइस, और राजशाही गन लीजिएगा।
अरे यार होप कहाँ तुम? कोई फायदा नहीं मिस्टर काकमटाओ। एक हाँ यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि मशीन गन चलाता है, उस साइड हम कूद सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस इन्होंने शायद या तो इनकी फैमिली है ये या पूरे इलाके को इन्होंने कब्जा कर रखा है। और ये बैंच कहाँ पे है जो आवाज़ कर रहा है? शायद हमें इधर ही जाना होगा। इसे हम गन को वेस्ट नहीं करेंगे, हम पिस्टल को ही लेंगे क्योंकि इसे हम वेस्ट किए तो हमारे पास एमओ वगैरह नहीं है। आ जाओ। तो उसके सिर पे कुछ नहीं होने वाला, सिर पे मारेंगे। अरे भाई लेट गया, सिर पे कुछ नहीं होने वाला, सिर पे जो मारेगा उसकी एमो वेस्ट होगी। केवल हर जगह पहरेदारों को इन्होंने लगा रखा है। पहरदारों की पहरदारी, यहाँ पे ही एक बंदा हमें मिलने वाला है जिससे कि लड़ाई होगी हमारी। और उससे पहले हम फोटो वगैरह में क्या की मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें ये चीज़ मस्त मिल गई, इसी की ज़रूरत थी। भाग निकला वहां से वो। तो आज के लिए गाइस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस यहाँ पे जो इसे मार दिया और वो भाग गया, टीएनटी यहाँ रखी हुई थी, चलिए गलती से टीएनटी पे क्लिक नहीं हुआ, नहीं तो काफी दिक्कत होती। और वो देखिए वहां भाग के भाग गया है, नीचे जाएगा, ये मशीन गन चलाएगा। ठीक है, लॉक है, इसकी चाबी हमें चाहिए। काफी दिक्कत तो ये हुई, देखिए सोने से खजाना मिल चुका है हमें, ऐसा ही हमें बस मिलता रहे तो हमारा काम हो जाएगा इजी। नीचे मशीन गन चलाएगा हमें लग रहा है, तो चलिए कुछ नहीं है, इसे हम किल करते हैं। आजा, लकड़ी के चोर। इसको अपडेट करने के बाद भी जो है काम नहीं आया। मार डालेंगे इसे हम, और इसे जो है यहाँ उड़ा दिया मैंने, शॉटगन ले लेता हूँ, शॉटगन से इसकी। चलिए काम तमाम इसका हो गया, तो आगे हम बढ़ते रहेंगे। मोनालिसा और भी कोई है क्या? तो यहाँ से जो है मशीन गन इसने उठा लिया है, केजीएफ नहीं एनिमल वाली। डैमेज दे दिया। यहाँ पे हम निकालेंगे ये वाली गन। भागो 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 भागो। और इसे हम मारने वाले हैं। शीट, भागो नहीं तो आज जान ले लेगा ये।
और हेल्थ पूरा कम खत्म हो गया है और हमें लगता है ये लेना ही पड़ेगा। वो भाई हमारे पास आया भी नहीं, मर गया, काम तमाम। तो यहाँ से इसका खेला ख़त्म, चाबी हमें जो है मिल गई है गैलरी की। हेल्थ आप देख सकते हैं गाइस थोड़ा सा और लगता है और हमारा काम जो है ख़त्म हो जाता। और यहाँ से हम लोड करेंगे, लोड करने के बाद आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद गेट खोलेंगे। गेट खोलने के बाद जो है वो जो दरवाज़ा लॉक है उसमें हम चले जाएंगे। यहाँ से गेम लैग हो रहा है, बस कोई बंदा हमें ना मिले। तेजी से आगे बढ़ेंगे, कुछ छोड़ा होगा इसने सर, कुछ भी नहीं छोड़ा है। KGF नहीं, यहाँ पे हमें एनिमल वाली बंदूक मिली थी। यहाँ से हम कूद जाएंगे और कूद कर हम इस दरवाजे से निकल जाएंगे बाहर। चाबी का उपयोग करते हुए हमने यहाँ से खोल लिया दरवाजा, ऐसे यहाँ सेव हो जाए, मिशन सेव हो रहा है। कुछ मशीन है, कुछ पजल्स हैं, हमें सॉल्व करने कुछ ना कुछ मिलते जा रहा है। तो मशीन सॉल्व करेंगे पजल से। यहाँ पे कुछ हिरन की आँख से मिला हमें एक, तो यहाँ से अपडेट करेंगे हम यहाँ पे से एक बार फोर भी। अब जो है दरवाज़ा हमने खोल लिया, यहाँ से काफ़ी हमें दिक्कत हुई पर हमने दरवाज़ा को खोल लिया गाइस। बस हमें थोड़ा हेल्थ मिल जाए। रेमोन सेले जा आ चुका है। Surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Oh, भाई फिर से आ गए सब। Get rid of our American friend. अब हमें बचना होगा फिर से। तीर वाले जो होते हैं खतरनाक होते हैं। सारे दरवाजा बंद। Get copy the lights, love you. छुपेंगे नीचे हम। तो यहाँ से हमारे पास कुछ भी नहीं है सर, और यही है जो काम आने वाला है। तो सब काम खत्म कर देंगे यहाँ से। वो देखिए निकल आया तीर चलाने वाला। खत्म कहानी यहाँ से। यहाँ तक हम आ चुके थे, यहाँ से जो है हमें हेल्थ नहीं मिली है। पेन को लोड। तीर चलाते हैं सब तीर।
लास्ट बंदा ये रहा बंदा लास्ट गया ये भी पर यहाँ से कीड़ा बन गया है कीड़े को जानते हैं कैसे मारना है कीड़ा भी मारा गया हमें हेल्थ चाहिए बस हेल्थ हमारी बढ़ चुकी है यहाँ से जो है गन मिल गया है हमें दरवाजा वैसे खुल जाना चाहिए था अभी पर लगता है अभी कोई बंदा है यहाँ अच्छा गन को हम लोड करेंगे डीएक्टिवेट कर दिए हम ये हमें चाहिए कैसे भी हेल्थ काफी काम आने वाला है यहाँ पे भी दरवाजा है सेविंग ऑप्शन नहीं आ रहा कहीं से पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे एक और दरवाजा था उसमें जरा चेक करते हैं क्या है यहाँ था यहाँ पे दरवाजा नहीं यहाँ पे दरवाजा होगा वो शिटियर कहाँ है उसी पे कुछ रखा है यही कहीं होना चाहिए सारे सारे दरवाजे एक ही जगह जा रहे हैं शायद ऊपर से जंप करना हो साइड से जंप करके कुछ मिले कुछ तो होना चाहिए यहाँ से कोई तो दरवाजा होना चाहिए भाई यहाँ पे एक दरवाजा है इसे खोलेंगे तो गाइस यहाँ से हमें दरवाजा मिल गया देख सकते हैं आप कितना लंबा ज्यादा हो गया 3.2 तो उधर से घूम के आना होगा हमें इको के लिए हमें माफ कीजिएगा इको वाइसिंग जो हो रही है पीछे से